खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि जिस घर में अपने घर से ज्यादा सम्मान मिला, जिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने दोनों बच्चों से ज्यादा प्यार अशोक अरोड़ा को दिया और जिस पार्टी को चौधरी देवीलाल ने पौधा लगाया और हम सब ने सारे कार्यकर्ताओं ने खून से सींचा हो, मुझे नहीं पता लोग कई कई बार पार्टियां कैसे बदल लेते हैं, परंतु आज सिर्फ और सिर्फ अनेसर हल्के की जनता के लिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल दी उनकी, उस पौधे को जिसने हमें सींचा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल दी, उस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिसने हमें प्यार से भी बच्चों से ज्यादा प्यार दिया, जिसकी वजह से मैं मान सकता हूँ कि आज अगर वो जेल काट रहे हैं तो कार्यकर्ताओं की वजह से काट रहे हैं, जिनकी वजह से आज धनेश्वर हल्के के 1000 से ऊपर बच्चों को रोजगार मिला। आज भी धनेश्वर के बहुत बस्ती डबी बच्चे ऐसे हैं जो एसटीओ से एक्शन कर रहे हैं, जो डीटीसी लगे, प्रिंसिपल लगे, डीओ लगे, ये सब उनके समय में यहाँ रोजगार मिला। परंतु क्योंकि आज परिस्थितियाँ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियाँ देश और प्रदेश में बदलती है, आज देश की राजनीति जो है वो केवल और केवल राष्ट्रीय पार्टियों की ओर बढ़ और लोगों के लिए कुरुक्षेत्र के विकास के लिए मैंने आज अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से इस्तीफा दिया है और मैंने कार्यकर्ताओं को कहा है, उनसे अनुरोध किया कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, जो 30 साल 35 साल के राजनीतिक कैरियर कुरुक्षेत्र की जनता का और विशेष रूप से कार्यकर्ताओं का साथियों का, कि जिन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में 15 साल विपक्ष में रहने के बावजूद जिस मैंने कार्यकर्ता से फोन किया कि आप मीटिंग में आना, उस कार्यकर्ता का जवाब था आप कहीं भी जाएंगे हम आपके साथ हैं, और उन लोगों की वजह से आज एक नई पारी खेलने जा रहा हूं, जहां मैं आपका सहयोग मांगता हूं, जहां मैंने कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद मांगा, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से माफी भी मांग के आऊंगा, उनका आशीर्वाद। तो ज्वाइन कहां करेंगे, क्या पार्टी में, क्या संकेत? देखिए, एक बहुत बड़ा फैसला कार्यकर्ताओं ने मुझ पर छोड़ा है और नई पारी शुरुआत करते समय मेरे से ये तो है नहीं कि कभी मैं इंडियन नेशनल लोकदल में रहूं, कभी मैं चंद्रमोहन जी को बुला लूं, कभी मैं हुड्डा साहब के साथ चला जाऊं, कभी मैं डॉक्टर राम प्रकाश के साथ चला जाऊं, कभी कांग्रेस में चला जाऊं, कभी बीजेपी में चला जाऊं। मैंने तो 40 साल एक पार्टी में गुजारे हैं और अगली जो पारी होगी मैं चाहूंगा कि मेरे जीवन के अंत तक उसी पार्टी में रहे, ये फैसला मैं सोच रहा हूँ। ऐसी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पर और ऐसी तमाम चर्चाएं हैं कि आप कांग्रेस का दामन थाम सकती हैं। मैंने आपसे एक बार अशोक जी पहले भी कही थी कि मेरा जो फैसला होगा सबसे पहले आपको बताऊंगा, मेरे ऊपर आज मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा बोझ डाला, मैं ये कल्ला फैसला नहीं, उन्होंने तो डाल दिया अपने वरिष्ठ साथियों से, अपने सरल जनता से पूछ के ये मैं फैसला लूंगा। अभी तक जो चर्चाएं कि किससे बात हुई, किसी से बात नहीं हुई, मेरी किसी से कोई बात नहीं। आपके साथ तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी आज इनेलो को अलविदा कह दिया है, नहीं लगता इतना प्यार था आपके साथ, जो मान सम्मान था पार्टी के साथ? मैं उन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अपने साथियों ने, मेरे दोस्तों मित्रों ने मेरे साथ